In the past we have seen multiple cases where the banks share price have crashed massively resulting in huge losses to the investors. This brings me to a question that who is responsible for such losses? Is it the responsibility of the management of the bank or these gentlemen are responsible or it can be a collaborative effort as well which we have seen in the past. Though these cases were completely different but before granting a loan a bank should do a detailed analysis of to whom the bank is granting the loan which is also called as management analysis and on what basis the loan is being given this part is called financial statement analysis and also there are multiple other checks also the ability to analyze the financial statement of a business is the most important skill a credit manager should have

पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर भी अगर हम देखें तो अप्रोक्स टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में आपके पूछे गए हैं दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ दी एग्जामिनेशन एज एज वेल इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो क्योंकि जब आप क्रेडिट मैनेजर बन जाएंगे ये चैप्टर आपके रोज काम आएगा आप डेली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे होंगे बात करें एक बैंक की तो एक बैंक किसी भी बिजनेस को लोन देने से पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक क्रेडिट मैनेजर ही करता है सारे चेक्स फुलफिल हो जाने के बाद ही बैंक एक बिजनेस को लोन देता है इसीलिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर आपका मैक्सिमम वेटेज रखता है क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट में क्योंकि आपकी रूटीन जॉब में रोज आपको काम आएगा तो इन केस अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर दिक्कत आती है या फिर आपको कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट जैसे कि इक्विटी मल्टीप्लायर इनकम और नेट इनकम में क्या डिफरेंस होता है डेट टू इक्विटी रेशो प्रोप्राइटो कब हमको प्रेफरेंस प्रिफरेंस को कंसिडर करना है प्रीपेड और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस का क्या ट्रीटमेंट होगा अलग अलग केसेस में ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे किया जाता है और डेट सर्विस कवरेज रेशो कैसे निकाला जाता है जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रेडिट प्रोफाइल के लिए या फिर आपको कंफ्यूजन है इबिट एंड इबिटा मार्जिन में तो अगर इन सारे कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी इशू आता है और आप सीखना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज जो क्रेडिट प्रोफाइल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं जिनका हाई चांस है एग्जाम में आने का तो इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द रेशोज देन यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स रिलेटिंग टू पी क्रेडिट ऑफिसर एंड यूनियन क्रेडिट ऑफिसर जहां पर आपको सिर्फ बेसिक लिक्विडिटी रेशोज ही नहीं काफ़ी सारे एडवांस क्रेडिट रेशोज भी सिखाए जाएंगे जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड आई वुड लाइक टू हाईलाइट की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ट्वेंटी थर्ड फेबरवरी तक और पी एन बी की लास्ट डेट आपकी है ट्वेंटी फिफ्थ फेबररी तक तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिए टाइमली आप अप्लाई कर दीजिए थैंक यू सो मच एवरी वन ज्वाइन आई एग्जाम भी एंड प्रिपेयर फिफ्टी परसेंट फास्टर